हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। सो गाइस, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अभी हम फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल हमने सिमिलरिटी यानी कि समरूपता से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपके लिए पॉसिबल हो सकते हैं जिस टाइप के, वो हमने किए थे। आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो आकृति या श्रृंखला यानी कि शेप और सीरीज। यानी कि इसमें क्या होगा कि कुछ फिगर होंगे, उनका एक सीरीज चलेगा, उसको कंटिन्यूसली चलने के बाद में नेक्स्ट क्या आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा और वो क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो टोटल हम 20 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से आपको एक और क्वेश्चन आराम से करने को मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चन को भी आप आराम से कर सकेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं और इसमें आपको बताना है कि ये क्वेश्चन फिगर आपके पास में और ये आंसर फिगर है। इसमें देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, एक सीरीज चल रही है कि इस आकृति के बाद ये आकृति बनी, उसके बाद ये आकृति, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन ऑप्शन में से कौन सी आकृति बननी चाहिए। तो आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले आप इस आकृति पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। इस प्रकार से एक आकृति आपके पास में बनी हुई है, इसमें ये जो आपके पास एरो लगा हुआ है, इस एरो को यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड आकृति में ये एरो यहाँ पे लग गया है। इसका मतलब यहाँ पे इसने रोटेट किया और यहाँ से ये यहाँ तक पहुँच गया। नेक्स्ट देखेंगे तो ये यहाँ पर पहुँच गया, मतलब यहाँ से ये यहाँ पर पहुँच गया। अगर नेक्स्ट आकृति की इसकी मैं बात करूँ तो ये जो एरो है यहाँ पर बीच में आएगा, तो यहाँ पर एक एरो आपके पास आना चाहिए, तो ये एरो बना दिया। उसके बाद देखिए ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये जो शेडेड बॉक्स है आपके पास में, ये क्या हुआ कि सेकंड आकृति में यहाँ पे पहुँचा, यानी कि यहाँ से यहाँ पे आया, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ पे आया थर्ड में, तो फोर्थ में क्या होगा कि यहाँ पे पहुँचेगा, तो इस कोने में यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर इस कोने में ये जो मैंने शेड कर दिया है, शेडेड एरिया यहाँ पर बनेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें नहीं बन रहा है, बाकी इनमें तीनों ऑप्शन में बन रहा है, तो अभी भी हमारे पास आंसर नहीं मिलेगा। ओके, अब ये जो डैश वाला एरिया है, ये वाला जो अभी मैंने सर्कल किया, ये जो एक डॉट बना हुआ है, ये डॉट भी मूव कर रहा है। तो कैसे मूव कर रहा है, इस डॉट को देखो, सबसे पहले ये यहाँ पे था, उसके बाद क्या हुआ कि ये यहाँ पे पहुँच गया इसके बीच में, उसके बाद तीसरे में देखेंगे इस कोने पे, चौथे में यहाँ पे पहुँचना चाहिए, तो यहाँ पे ये जो डॉट है इसमें है, बाकी ये इसमें देखेंगे इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ये एकदम बीच में बिल्कुल नहीं है क्योंकि थोड़ा साइड में है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो आंसर है आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर आप सिर्फ एक एरो से भी पता नहीं लगा सकते, तीनों चीज़ें जब आप कन्फर्म हो जाएंगे तभी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आई होप आपने इसका आंसर सही दिया हो। अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, आपके पास में ये एक प्रकार का दिया गया है, लेकिन इसका आंसर फिगर जो है हमें वैसे ही बनाना पड़ेगा क्योंकि इसका जो आंसर है वो नेक्स्ट पेज पे है, तो वो एक साथ में भी वीडियो में यहाँ पर नहीं दिखा पाऊँगा। खैर, हम इस पैटर्न को आपको समझा देते हैं, उसके बाद आप देख लीजिए। पैटर्न में आप देखेंगे कि एक सर्कल है, सर्कल नहीं है, ये आपके पास में एक रेक्टेंगुलर शेप है। इसमें क्या हुआ कि एक एरो है, ये एरो जो है मूव कर रहा है, ये 90 डिग्री पे मूव कर गया इस तरफ से, उसके बाद में ये फिर से 90 डिग्री, देखिए यहाँ था, यहाँ से 90 डिग्री ये हो गया, यहाँ से 90 डिग्री इस साइड में हो गया, अब बस अगले आकृति में इस साइड में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 90 डिग्री आप बनाएंगे, इस प्रकार हो जाएगा। तो पहली कंडीशन तो ये कि अब जब शेप देखेंगे हम, तो उसमें एक तो एरो इसके ऊपर मिलना चाहिए, उसके बाद देखिए ये भी मूव कर रही हैं, इसमें देखिए कोई लाइन नहीं था, इसमें दो हो गई, इसमें तीन हो गई, और इसके बाद इसमें फोर्थ चार आपको लाइनें मिलेंगी, लेकिन ये देखें तो ये भी 90 पे मूव कर रही हैं। सबसे पहले ये इस तरफ थी, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 90 में मूव की इस तरफ हो गई, अब यहाँ से यहाँ पर 90 मूव करेंगे तो इस साइड में होंगे, यानी कि इस साइड में ये तीन नहीं चार लाइनें होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर हैं, अब इसके हिसाब से मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, फिर आप बताइएगा। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके पास में ऑप्शंस और ये चारों ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो हमने एक आकृति बनाई थी जिसमें क्या था, इस प्रकार से रेक्टेंगुलर शेप था, उसमें एक एरो इससे ऊपर था और चार यहाँ पे लाइनें बननी चाहिए थी। तो ये आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए में यहाँ पे बन रही हैं, यहाँ पे सी में भी बन रही हैं, लेकिन इसमें एरो नीचे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपने आसानी से इसका पता लगा लिया होगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, आपके पास में दिया गया है क्वेश्चन 3 से 5 के लिए डायरेक्शन है कि आपको क्या करना है कि अगली आकृति कौन सी है ये बताना है। तो क्वेश्चन 3 जो है आपके पास स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन फिगर है और आंसर फिगर है इस साइड में ये वाला, ठीक है। तो आप देखिए, और आपको मैं ये बताता हूँ कि अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया ना, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है। इसमें आपको पैटर्न जब तक समझ में नहीं आएगा आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। आराम से वीडियो पॉज करके इसको सोचिए। देखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे भी कराऊँ, आंसर मैं आपको बता दूंगा, समझा भी दूंगा, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर लेते ना, आपको इसका पता ही नहीं चलेगा कि मुझे समझ में आया या नहीं, क्योंकि इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है। वो पैटर्न आपके दिमाग में आता है या नहीं, ये तो तभी पता चलेगा जब आप एफर्ट लगाएंगे।
तो आप एफर्ट लगाइए, सोचिए इसमें क्या हो सकता है। और देखिए, इस वीडियो को आप 5 मिनट में ख़त्म कर दे आगे स्किप करके तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे इमेजेस देखने नहीं आए हैं, इसको कॉन्सेप्ट को समझने आए हैं, खुद से प्रैक्टिस करने आए हैं, तो डेफिनेटली इसको कोशिश कीजिएगा। ओके, सो इतने टाइम से आपने ये चीज़ें देखी हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या पैटर्न। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो आई होप आपने ये सही किया हो। अब पैटर्न भी इसका मैं समझा देता हूँ, तो थोड़ा सा मैं इसका जूम करना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो आकृति है ना, इसमें जो इस प्रकार से एरो का साइन बना हुआ है, इसमें क्या हुआ कि ये आकृति को देखिए और उसके बाद इसे सेकंड आकृति को देखेंगे, तो यहाँ पे आपको एक चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये वाला जो एरो है ये इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, बाकी सारे के तीनों तीनों सेम हैं। अगली वाली में जब आप जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि इस वाले एरो का चेंज हुआ है, ठीक है, यानी कि इस तरह से ये क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। इस एरो का हो गया, अब इसके बाद इस एरो का चेंज होगा, तो इस एरो का चेंज डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाएगा। बाकी ये जो तीन एरो हैं ये पिछले वाली आकृति के सेम रहेंगे, तो ये वाला हो गया और उसके बाद में ये हो जाएगा इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये वाला जो एरो है इसको तो आपको चेंज करना था, ये वाला तीसरा जो एरो है, तो ये यहाँ पर इस तरह नहीं होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से ये मैंने बना दिया। ओके, तो इसमें आपको डी ऑप्शन यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, तो ये डी ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ये वाला कि इसमें इस प्रकार से बन जाएगा। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, आप समझ सकते हैं कि आपको ये आया है तो डेफिनेटली आप अच्छी कंडीशन में हैं, बाकी नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन फिगर या आंसर फिगर आराम से देखिए, वीडियो पॉज कीजिए फिर सोचिए। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, डी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो डॉट शेडेड एरिया है ये मूव कर रहा है, पहले ये यहाँ पे था, उसके बाद में देखेंगे आप कि ये यहाँ पे हो गया, उसके बाद आपने देखा कि ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, यानी कि पहले 45 मूव किया, फिर से 45 मूव किया, फिर उसके बाद 90 मूव किया, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास में 45 मूव करेगा, यहाँ से ये यहाँ पे पहुँचा, उसके बाद में ये यहाँ पे पहुँचेगा। तो यहाँ पे पहुँचने का मतलब ये आप देख सकते हैं कि इसमें डी ऑप्शन में आपको दिया गया। सेम इसी प्रकार आप इसको भी देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है कि पहले इसने 45 मूव किया, यहाँ से यहाँ पे पहुँचा, ये जो शेडेड एरिया नहीं है डॉट वाला है, उसके बाद में इसने देखा यहाँ पे 45, यहाँ पे 45। ओके, उसके बाद में इसमें क्या हुआ कि ये भी आपके पास में इस तरह से मूव हो रहा है, तो ये यहाँ पे आ गया आपके पास में इसके जस्ट पीछे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और बाकी अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, अभी आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें भी आप आराम से सोचिए, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, और ये आराम से आप इसको देखिए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। और अभी इसको देखिए कैसे यहाँ पे हुआ है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें कैसे पैटर्न चल रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एरो है इसका जो साइन है ये यहाँ से यहाँ पे मूव कर गया, यानी कि इसको आपने उठाया और इस तरफ लगा दिया, ठीक है। इसके बाद ये जो लाइन है इस तरह से थी, इसको आपने इस तरह से पलट दिया, बस ये दो ही चीज़ें चेंज किया। सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर करना है, इस वाले गोले को उठाओ और यहाँ पर लगा दो, उसके बाद में इस वाले को इस तरह से कर दो, बस ये दो चेंज करने हैं और कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपको देखना है कि इस तरह से ये हो गया और ये वाला यहाँ पे हो गया, तो इसमें आपका ई ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके अलग अलग अप्रोचेज हो सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है मुझे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से सोच सकते हैं। और फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट आप अगर सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छी तैयारी के साथ में एग्ज़ाम देने वाले हैं, इतना मेरा मानना है। क्योंकि क्वेश्चंस हैं, कुछ लोग ये अभी भी बोल रहे थे पिछले वीडियो में कि सर आपके लिए क्वेश्चन जो करवाएं इजी है हमारे लिए, तो अच्छी बात है आपके लिए क्वेश्चन इजी हैं, अब सभी के लिए इजी हो जाएं तब तो बात ही अलग है। तो अभी क्वेश्चन आपने सोच लिया होगा गाइस, इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये भी बता देता हूँ कि कैसे होगा। देखो इसमें क्या चल रहा है कि पहले एक प्लस आकृति है, उसके बाद मल्टीप्लाई, लेकिन प्लस का मल्टीप्लाई से कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे प्लस का प्लस से है और मल्टीप्लाई का अगला मल्टीप्लाई से होगा, तो ये हम यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे। अभी देखो क्या हो रहा है, इसमें पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस से ढूंढना पड़ेगा। तो प्लस से हमने जैसे ढूंढा तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो ट्राइंगल है यहाँ से यहाँ चला गया, ओके, उसके बाद में ये जो एरिया है आपके पास में एक ब्लैंक डॉट है ये यहाँ से यहाँ मूव हो गया, मतलब एक एक आपको पास में खिसकते जा रहे हैं, और ये जो डॉट है शेडेड डॉट ये नीचे आ गया। सेम ऐसा ही इसमें करना है, कैसे करेंगे, ये जो डॉट है इसको यहाँ पे भेजना है, तो ये जो डॉट है यहाँ से
उठ के, और ये यहाँ पे चला जाएगा। ओके, यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। ओके, उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन में भी एक ही ऑप्शन है जहाँ पे यहाँ पे ब्लैंक है। अदर यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डॉट आ गया आपके पास में, तो ये जो ब्लैंक ट्राइंगल है ये यहाँ पे बन जाएगा आपके पास में, और यहाँ पे आपके पास ब्लैंक डॉट है तो ये ब्लैंक डॉट यहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपके पास बन जाएगा, और ये जो दिया गया है आपके पास में ये ब्लैंक हो जाएगा पूरा, जो भी मैंने कर दिया है यहाँ पे। ओके, सो इस प्रकार से आपके पास में जो आकृति बनेगी ये आप पे बन जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये मूव कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए थोड़ा सा चेंजेस है क्वेश्चंस में। इनमें क्या होगा कि ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4, इसमें पहले क्या किया गया कि इस तीसरे वाले को मिसिंग कर दिया है। डायरेक्ट आपको ये देखना है कि तीसरा, और यहाँ से मिसिंग सीरीज होती है ना 1, 2, 3, उसके बाद मैं 4 को मिस कर देता हूँ, 5 लिख देता हूँ, तो ये पूछता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। तो इसी प्रकार की ये सीरीज है, सारे क्वेश्चन आपके आज सीरीज से रिलेटेड ही होंगे कि एक सीरीज चलेगी यहाँ पे शेप्स की, आकृतियों की, और उसके बाद आपको कोई भी मिसिंग आकृति पूछ सकता है। अब देखो करेक्ट आंसर इसका बता दूँ, ए ऑप्शन हो जाएगा अगर किसी ने सोच लिया अभी तक। अब देखिए कैसे हो रहा है, इसमें देखेंगे कि ये जो लाइन है सभी में सिंगल है। ओके, सभी में सिंगल है, तो इसमें क्या किया कि इसमें ये जो आपके पास में हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इस लाइन को सिर्फ इसने क्या कर, सॉरी वर्टिकल लाइन है ये, तो वर्टिकल लाइन पे इसने एक एक लाइन और बढ़ा दी। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास में देखें तो इसमें सभी आकृतियों पे क्या है, डबल लाइन हो जानी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर एक एक बढ़ाएंगे, तो ये आकृति आपके पास बननी चाहिए, और ये आकृति ए ऑप्शन में बन रही है। अगली में क्या होगा कि फिर अगेन क्या होगा कि वर्टिकल लाइन पे एक एक बढ़ा देगा, तो ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और आप देख सकते हैं इसमें भी क्वेश्चन 3 वाले को मिसिंग किया गया है, और इसका आंसर आपको बता दूँ सी ऑप्शन हो जाएगा अगर आपने किसी ने सोच लिया है। ओके, सो यहाँ पे सी आंसर कैसे होगा, देखिए यहाँ पे एक आकृति बनी है, इस प्रकार से दो सर्कल हैं आपके पास में, और दो ट्राइंगल को यहाँ पर इस प्रकार से बनाया गया है। तो इसमें क्या किया गया कि पहली आकृति में पहले वाला जो ऊपर वाला सर्कल है इसको हटा दिया, अगेन दूसरी वाली आकृति में क्या होना चाहिए कि ये वाला सर्कल हटा देना चाहिए, क्योंकि तीसरी आकृति में आप देखते हैं कि पहला ट्राइंगल हटा देता है, तो यहाँ पे इस प्रकार की आकृति आपके पास में बन जाएगी। ओके सॉरी, थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने, ये वाली आकृति वैसे आप देख ही सकते हैं सी ऑप्शन में दिया गया है ना, तो ये आकृति आपसे पूछ रहा है इस प्रकार की आकृति बनेगी। और उसके बाद में देखिए ए ऑप्शन में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें बीच में डॉट है, तो ये डॉट यहाँ पे अभी नहीं हटेगा, डॉट तो आगे जाके अगर फोर्थ ऑप्शन लगाएगा तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ एक डॉट ही बचेगा, ये ट्राइंगल हट जाएगा, फिर उसके बाद में डॉट भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार सीरीज चल रही है, तो ये डॉट होने की वजह से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी आपको वही तीसरे नंबर की फिगर बतानी है। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फिगर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 होनी चाहिए, यहाँ पे 7 है, आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सीरीज चल रही है। अब आंसर आपका जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। वो कैसे, सबसे पहले देखिए आपके पास एक एरो है, एक स्ट्रेट एरो, उसके बाद में इसमें क्या किया कि इसका जस्ट अपोजिट एक एरो बना है, और एक तीसरी आकृति यहाँ पर एक इस प्रकार की एड हो गई। अगेन यहाँ पे देखेंगे इस पैटर्न को कंफर्म करने के लिए, इसमें क्या कर रहा है कि ये एरो वाला बना हुआ है, इसका भी अपोजिट बनाया, फिर एक एरो बनाया, फिर उसका अपोजिट बनाया, फिर एक एरो, फिर उसका अपोजिट, तो सेम इस प्रकार से ये आपके पास में बन रहा है। तो इसमें क्या करना है कि सेम ये जो तीनों आकृतियाँ हैं, ये पहली 3 तो सेम रहेंगी, उसके बाद चौथी आकृति जो बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, इसका जस्ट अपोजिट, और पाँचवीं आकृति एक एरो इस प्रकार से ऊपर बनेगा, ठीक है। तो ये आकृति आप ए ऑप्शन में देख सकते हैं, इस प्रकार की आकृति यहाँ पर बनने वाली है। तो आई होप आपने सही किया होगा। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ये आपके लिए है, इसमें भी तीसरे नंबर की आकृति आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर आपके पास में वैसे तो देखिए एक ही ऑप्शन होगा, और या तो आप डी को मान लीजिए या ए को मान लीजिए। इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि ये जो डॉट दिया गया है ये कलर्ड होना चाहिए था। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है कि ऑप्शन में यहाँ पर जो ये शेडेड एरिया दिखना है ना, एक पॉइंट को मैंने डार्क कर दिया है, तो ये थोड़ा सा चेंजेज है, नहीं तो ये सेम ही हो जाते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर अभी ए है फिलहाल के लिए। अगर ये करते हैं नहीं तो आप ये करिए कि दोनों को सही मान लीजिए, सो सेम ही ऑप्शन है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा, थोड़ी सी बारीक सी गलती है। अब देखो कैसे हो रहा है, ये एरो इस साइड में है, इसमें बात देखेंगे ये एरो इस साइड में, तो तीसरी आकृति में इस साइड में होगा, चौथी में कन्फर्म करने के लिए देख लीजिए इसे नीचे जा रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ आपके पास में एक ही आकृति है जो यहाँ पर इस प्रकार की नहीं है, तो ये सी ऑप्शन जो नहीं होगा। अगेन आप देखिए कि ये डॉट भी मूव कर रहा है, लेकिन डॉट मूव करने के साथ में जैसे इसमें आप यहाँ पे देखेंगे इसमें आ गया, लेकिन ये कलर हो गया। उसके बाद देखिए ये फिर से मूव करेगा तो ये कलर नहीं होगा, ये ब्लैंक हो जाएगा। अगेन ये मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक तो फिर कलर्ड हो जाएगा, तो इस प्रकार ये भी चेंज होता जा रहा है। तो ये आकृति आप देख सकते हैं इस प्रकार की आकृति बनेगी ए और डी के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में है और इसमें आपको यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति बनेगी। बहुत ही सिंपल सा है, इसमें आंसर बी हो जाएगा। कैसे होगा, ये एरो इस तरह इस साइड में है, उसके बाद ये इस साइड में मूव किया, यहाँ से यहाँ पे 45 डिग्री पे मूव करता जा रहा है, तो यहाँ से 45 बनाना है, तो इस प्रकार बन जाएगा और ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आपके पास में हो जाएगा ए ऑप्शन। कैसे होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे चार कोने हैं एक आकृति के, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे आप हेक्सागोनल बना हुआ है, छह आकृतियाँ हैं, उसके बाद देखेंगे तो ये आठ हो गया यहाँ पे, ठीक है, आठ भुजाएँ हैं इसकी, ठीक है, आठ साइड वाली हैं, तो यहाँ पर चार छः आठ और दस, इसकी जो साइड हैं वो 12 होंगे। बाकी आप ऐसे कोई और आकृति तो वैसे भी नहीं बना सकते क्योंकि सेम इसी पैटर्न पे चल रही है, ये आकृतियाँ तो इससे मैच ही नहीं करती हैं, तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको कम ज़्यादा दिख रहे हों, तो यहाँ पे आप 12 आकृतियाँ बनाएंगे तो इसी प्रकार का कुछ बनेगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये LI आपके लिए क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और आपको बताना है सही आंसर क्या होगा, और आपने सोच लिया है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे जो भी आकृति इसके अंदर है ना, ये जो ट्रायंगल है जैसे इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो ये आकृति दूसरी आकृति की बाहर की आकृति है। ओके, ऐसे फॉलो कीजिए। अब इसके अंदर वाली आकृति देखिए इस प्रकार बनी हुई है, तो इसकी बाहर वाली आकृति ये होगी। अब इसके अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है उल्टा, तो अब इसकी बाहर वाली एक उल्टा ट्राइंगल होगा। अब इसके अंदर जो इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, अब इसके जो बाहर वाली आकृति यानी कि यहाँ पर जो आकृति बनेगी उसमें इसी प्रकार की आकृति होगी कि जिसके बाहर की आकृति जो है इस प्रकार से बनी हुई होगी। ये डी ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसका अगर कॉन्सेप्ट आप समझिए कि अंदर वाली आकृति का क्या है, तो कुछ नहीं है, जस्ट नेक्स्ट वाली आकृति की बाहर वाली आकृति बनती जा रही है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका आपको मैं बता दूँ, हो जाएगा सी ऑप्शन। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे जो आकृति देख रहे होंगे इसमें जो है आपके पास में आठ साइड्स हैं, एट साइड्स, ठीक है, इसमें देखेंगे तो वैसे तो छः दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसमें सात आकृतियाँ होंगी, इसमें छः होंगी, इसके बाद इसमें पाँच है, अगले वाले में चार होंगी, तो इस प्रकार सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे एक और भुजा बननी चाहिए थी जैसे भी हो, और फाइनली इसका सही आंसर सी ही रहेगा। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको सोच समझ के करना है और इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर आपने सोच लिया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब कैसे होगा ये मैं बताता हूँ। देखिए इस घड़ी में आपके है 12 बज रहे हैं, इसमें बज रहा है एक, इसमें बज रहे हैं तीन, इसमें बज रहे हैं छः, तो अब यहाँ पर डिफरेंस देखो एक सीरीज का, यहाँ पर एक का डिफरेंस है, यहाँ पर दो का और यहाँ पे तीन का, तो अगले चार का डिफरेंस होना चाहिए, तो 6 + 4 = 10, तो 10 बजे हुए होने चाहिए थे उस घड़ी में, और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस घड़ी में जो है 10 बजे हैं टी ऑप्शन वाली में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16, और इसको आप देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे इस प्रकार का एक सर्कल बना हुआ है, इसके बाद इसमें यहाँ पे एक स्टार बनाया, फिर इसको और ज़्यादा यहाँ पे ये नुकीले भाग बनते जा रहे हैं, अगले में देखेंगे कि और ही ज़्यादा बन रहे हैं, अब इनको काउंट भी नहीं कर सकते इतने छोटे हैं, और इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें और ज़्यादा बनते जा रहे हैं सी ऑप्शन में, ठीक है। अब डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बड़े बने हुए हैं, यहाँ पर आप इस आकृति से अगर अनुमान लगाएं तो इतने बड़े नहीं बनेंगे बल्कि इससे छोटे ही होते जाएंगे, तो अगेन यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, इसको आप ज़रूर करिएगा, और सही आंसर इसका मैं बता दूं सी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आपको बताऊं इसके बारे में कैसे हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सर्कल बना हुआ है इस तरह से, ये यहाँ से मूव हुआ और यहाँ पे बना है और इससे टच हुआ है, एक में टच होगा दूसरे में टच नहीं हुआ, उसके बाद में ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो अगली आकृति में ये यहाँ पहुँचना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपका पास में सी आकृति में होगा, और एक में जिसमें पिछले वाले में टच है तो इसमें टच नहीं होगा, एक में टच होगा एक में टच नहीं होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप ज़रूर कीजिएगा, इसमें ज़्यादा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है, बस एक आकृति को या आगे पीछे बढ़ाता जा रहा है, तो देखिए कैसे कर रहा है। इसमें आप देखेंगे कि ये आकृति को यहाँ पे बढ़ा दिया, उसके बाद में एक लाइन ऐसे खींचेगा, ये देख सकते हैं आप, उसके बाद एक लाइन ऐसे खींच रहा है, उसके बाद अगेन आपके पास में एक लाइन आपके पास इस तरह से खींची हुई ये मिल गई है, इसके बाद में जो आकृति नेक्स्ट बननी चाहिए वो इस तरह की होनी चाहिए, और ये आप देख पा रहे होंगे बी ऑप्शन में आपको मिल रही है, तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें भी ही आपको सोचना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। कुछ सिंबल्स हैं, कुछ आकृतियां हैं, ये आगे पीछे मूव कर रहे हैं, इनको समझना है। और मैं इसका सही आंसर आपके लिए बता देता हूँ, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जैसे हम एक सिंगल आकृति ये एक्स है, इसको पकड़ता हूँ तो ये क्या कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, यहाँ पे गया। अब यहाँ से देखिए आपके पास में यहाँ पे पहुँच गया, ये आ गया। देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ पे गया, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया है, यहाँ से फिर आपके पास यहाँ आएगा। तो यहाँ सेकेंड नंबर पर देखेंगे तो ये एक ही ऑप्शन है जिसमें ये मिल रहा है, तो एक सिंपल इसी आकृति से आपको पता चल जाएगा। बाकी आप आगे दूसरी आकृति को भी कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन हमें एक ही से आंसर मिल गया, दूसरे की देखने की जरूरत नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपके लिए है, और इसको आप कैसे करते हैं ये भी देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, आप आराम से वीडियो करके पोज सोच सकते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाया गया है, मैं आपको थोड़ा वीडियो को पोज जूम करके दिखाता हूँ। इसमें क्या किया गया है कि एक आकृति आप देखेंगे, इस आकृतियाँ सारी सेम हैं, लेकिन एक है इक्वल का साइन, एक है मल्टीप्लाई का साइन, तो ये दोनों साइन को मूव करवाया जा रहा है। अब इनमें क्या कर रहा है, एक बार एक साइन को मूव करवाया। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि इस क्रॉस वाला जो साइन दिख रहा है ये दूसरी आकृति में सेम है, लेकिन ये जो है मूव कर गया है, ये यहाँ पर पहुँच गया है। तो यहाँ पर जैसे मूव किया, अगली आकृति में आपने देखा कि ये इक्वल वाला साइन जो है ये मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पे ही है, लेकिन इसने जो क्या किया कि ये वाला साइन यहाँ पे मूव कर गया, ये आ गया, यहाँ पे आ गया, तो एक साइन यहाँ पे स्थिर रहेगा। अब अगले में देखिए ये एक्स वाला जो स्थिर है और उसके बाद में ये मूव करेगा, तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अगेन यहाँ पे देखेंगे इक्वल वाला जो है यहाँ पे सेम है, तो अब आगे क्या होगा कि ये क्रॉस वाला मूव करेगा, क्रॉस वाला जो है यहाँ पे मूव करेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस प्रकार से आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास में, ये सी ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा। ओके तो ये सॉरी यहाँ पे इक्वल मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल सेम था, अब क्रॉस सेम रहेगा अगली आकृति में, तो क्रॉस यहाँ पे है, ये इक्वल यहाँ पे चला जाएगा। ओके तो इस प्रकार आपने सोचा होगा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स आज के लिए आपके 20 क्वेश्चंस जो आपके बेस थे सेप सीरीज़ पे, यानी कि आकृति और श्रृंखला पे। तो आकृति सीरीज़ अगर बनी हुई हो उसमें आपको नेक्स्ट आकृति अगर पहुँचे तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद में एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे और एक नंबर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन ये टाइम भी कम किया जा सकता है प्रैक्टिस करके। ओके हमें ऐसा लगता है कि यार फिगर वाले क्वेश्चन तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे, उसमें क्या है, हमें देखना ही तो है, लेकिन उस टाइम जो है देखा भी नहीं जाता है, नज़र का मतलब ये नज़र प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आप ये समझ लीजिए कि उस टाइम जो है हमें घबराहट की वजह से, एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से वो चीज़ें भी गलत हो जाती हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड ना करें, ठीक है, आराम से इस वीडियोज़ को देखिए और आप इसको एन्जॉय करिए, ठीक है। तो आई होप आपने कितना सही किया ये मैं जान पाऊँ तो मेरे लिए अच्छी बात होगी, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोगों को कितना क्या आ रहा है। डेफिनेटली ये चीज़ तो आप करिएगा और बिल्कुल ट्रूथ होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मेरे को 20 में 20 आ गया, कुछ बोल रहे हैं कि मेरे को एक ही आया, तो जो भी जितना बन रहा है वो डेफिनेटली एकदम ट्रूथ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका टेस्ट हुआ है, इसमें अगर आपको सच्चाई बोलने की हिम्मत है तो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, तो वीडियो को ज़रूर से आप सभी लोग लाइक कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।